in the last chapter we have cleared, the last chapter was utility analysis, and that is what we have cleared. And in that chapter we have learned about utility, which is what if you remember, utility is the power of a commodity. Why this power is required in commodity? The power is required in commodity to satisfy human wants. इंसान की जरूरतों को कंप्लीट करने के लिए हर कमोडिटी में पावर की जरूरत होती है, और हर कमोडिटी में पावर होती है, चाहे वो पॉइजन ही क्यों ना हो. इफ एनीबडी वांट्स टू सेटिस्फाई विद पॉइजन, देन दे कैन सेटिस्फाई देमसेल्फ, राइट. तो यूटिलिटी, वी हैव लर्न मेनी थिंग्स. वी हैव लर्न द फर्स्ट लॉ इन द इकोनॉमिक्स, दैट इज दैट वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एंड बेसिस ऑन दैट वी आर नाउ स्टार्टिंग विद द थर्ड चैप्टर व्हिच इज demand analysis. This is your third chapter of this year of this economics of your this year syllabus 2020-21. So demand analysis, as you see the name, demand analysis, analysis means discussion. So we are going to discuss about demand in this chapter. The only main focus would be demand. Understand demand, kya hoti hai demand aapke hisab se? वैसे तो बहुत लोग हैं यहाँ पर. डिमांड मतलब क्या होता है, सभी वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो डिमांड आपके हिसाब से क्या होती है? डिमांड सर डिमांड होती है, चुप रहो. डिमांड डिमांड नहीं होती है, डिमांड को रिक्वायर कर दी, डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसके लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है. डिमांड आपने कोई चीज कर दी तो वो डिमांड नहीं हो जाती. आपने अपने फादर को बोल दिया मुझे साइकिल चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, तो आपने डिमांड तो कर दी, बट उस डिमांड को कंप्लीट होने के लिए, फुलफिल होने के लिए आपके फादर के पास कुछ चीजों की जरूरत होती है. तो उसी टॉपिक के बदले, उसी के बारे में आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विद योर इंट्रोडक्शन पार्ट इन ऑफ डिमांड एनालिसिस. सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? डिमांड इज ओनली स्टार्ट विद डिजायर. सो व्हाट इज डिजायर? डिजायर मतलब हिंदी में होता है इच्छा, और इंग्लिश में उसको कहते हैं विश. सो डिमांड होने से पहले एक पहली चीज जो पहले आपके मन में आती है, द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन योर माइंड बिफोर यू डिमांड एनीथिंग इज योर विश, इज योर डिजायर, इच्छा. हमने किसी चीज की इच्छा की, इच्छा तो सभी लोग करते हैं, बट वो सब इच्छा डिमांड नहीं बन जाती. सो व्हाट यू नीड टू कन्वर्ट योर डिजायर इनटू डिमांड? What is the basic requirement to convert your desire, to convert your wish into demand? Desire इच्छा है, और उस मांग में कब convert कर होगी वो? जब उसे दो चीजों का support मिलेगा. Support का मतलब यहाँ पर साथ होता है, साथ मिलना चाहिए. So desire को दो चीजों की जरूरत है. पहली चीज क्या है? Willingness to buy. मैं बोलू willingness. Willingness मतलब होता है इच्छा शक्ति, खरीदने की इच्छा शक्ति चाहिए. बाय खरीदना मैंने बोला, तो बाय BUY है ये, BYE वाला नहीं, आप ऐसा करते हो नहीं, BUY, बाय परचेस करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए. पहली बार, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड इज द सेकेंड सपोर्ट इज एबिलिटी टू पे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एबिलिटी टू पे? एवरीबडी नोज, people who belongs to English medium, they know what is meaning of ability, and some of vernacular media people also know what is ability. Ability मतलब होता है capacity, हिंदी में क्षमता, ताकत. Consumer के अंदर अपनी desire को, ध्यान से सुनो, consumer के अंदर अपनी desire को, अपने wish को convert करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है. पहली तो उसके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? एबिलिटी, पे करने की एबिलिटी. क्षमता है क्या पे करने की? पहली चीज, पहले वो चेक करो खुद के अंदर, क्षमता है क्या पे करने की, पहली बात. दूसरी बात, क्षमता है बट वी आर नॉट विलिंग. विलिंग का मतलब क्या होता है? इच्छा नहीं है हमारी खरीदने की. तो डिमांड डिमांड नहीं हो सकती, आपकी डिमांड सिर्फ डिजायर रहेगी. So, इन दोनों चीजों का एक ही वक्त में होना जरूरी है. तब जाके जब ये दो चीजें, आपकी विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे, व्हेन दे बोथ साइमल्टेनियसली सपोर्ट्स योर डिजायर, योर विश, देन योर डिजायर विल बी कन्वर्टेड इनटू डिमांड. सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड. अंडरस्टैंड?
So based on that, in general language, we have created a meaning. So what is the meaning of demand? In ordinary language, demand is what? बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट थी और आई वुड से कि वो एक आपका सजेशन है कि सर आपका हैंड राइटिंग नहीं समझता है. सो आई हैव मेड सम यू नो सम लिटिल चेंज. व्हाट आई डिड, आई हैव ट्राइड टू राइट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग बट सम पार्ट ऑफ माय एक्सप्लेनेशन इन कैपिटल लेटर्स. सो लुक एट दिस, डिमांड मीन्स डिजायर विच इज backed by. Backed means supported by willingness and ability to pay. समझेगा आपको ये चीज क्या बोला मैंने. Demand means तो जाने दो, यहां छोड़ दो. हमने ये जो बात किया था ना उसको यहां पर मैंने सेंटेंस में डाला हुआ है. क्या किया है, desire which is backed B-A-C-K-E-D. Backed means supported by willingness and ability to pay. ध्यान में रखना, मैं ये वापस रिपीट नहीं करने वाला. बहुत सिंपल चीज है. आपकी डिजायर डिमांड में कन्वर्ट तब होगी जब आपके पास पैसा हो और पैसा खर्च करने की इच्छा शक्ति हो. दोनों भी चाहिए. अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा, पॉसिबल कैसे होगा. वी हैव सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस, डोंट वरी. सो हियर वी हैव एग्जाम्पल्स ऑन डिमांड. In this both we have two examples and that would be more enough to understand what is demand if you try to understand. One, when a person desires to have a car, क्या होता है जब एक आदमी कार खरीदने की इच्छा को लेकर जाता है शोरूम में. When a person desires to purchase a car or a television, यहाँ पे television था, मैंने कार ले लिया, सॉरी, television set, but does not have the adequate purchasing power. देखिए यहां पे लिखा है एडिक्वेट परचेसिंग पावर. इसको मैंने डबल लाइन अंडरलाइन किया होगा, ब्लैक में दिखा देता हूं. एडिक्वेट मतलब चाहिए, जितना चाहिए उतना. एडिक्वेट मतलब है सफिशियंट. परचेसिंग पावर है क्या उस आदमी के अंदर. एंड देन इट विल बी सिंपली, इफ डज नॉट हैव देन इट विल बी सिंपली अ डिजायर, इट विल नॉट बी अ डिमांड. टेलीविजन सेट चाहिए, पैसे नहीं है तो वो सिर्फ आपकी एक इच्छा है. पड़ोस में गए उसके टीवी में बड़ा बड़ा दिखता है, आईपीएल चालू है बड़ा दिखता है, कबड्डी चालू है बड़ा दिखता है, सब दिखता है बड़ा. अभी आपको भी बड़ा देखने का इच्छा है और वो इच्छा आप घर में लेके आए तो आपकी इच्छा होने से वो आपकी डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो जाती. सो इफ यू वॉन्ट टू बाय दैट काइंड ऑफ टेलीविजन सेट यू नीड परचेजिंग पावर. इफ यू हैव then you need a willingness and if you don't have then it will only be a desire. Second example jisse aapko samajh jayega ki dono ka zarurat kyun hai. Suppose a rich man, dekho idhar capacity already isi word mein aa gayi kyunki wo kya hai, he is a rich man. The person is a rich man here and he wanted to purchase a car. Rich man wanted to purchase a car, capacity hai and he wanted, matlab desire bhi hai. But problem क्या है, however he has the power capacity to purchase, but at the same time he should not ready, he is not ready to spend. Spend मतलब होता है खर्च. इसका मतलब क्या है, इच्छा है but खर्च करना नहीं चाहता. तो कार क्या प्रकट हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है. इसीलिए दोनों चीजों का होना जरूरी है. पहला क्या होता है, willingness, और दूसरा होता है ability. So, दोनों चीजें होनी चाहिए, देन योर डिजायर विल बी अ डिमांड. दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर डिमांड. सो दिस वुड बी मोर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बेसिकली, व्हाट इज अ डिमांड. बेसिकली डिमांड समझने के लिए इतना काफी होगा. पीडीएफ आपके पास है, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया है, रिपीट किया है. चाहिए तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर नोट्स में मैंशन कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं. वीडियो दो बार देखोगे तो पूरा ही समझ जाएगा. लेकिन इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो इससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और वो टॉपिक हम शुरू करते हैं जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो पहला है आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटरमिनेंट्स, आप बोले सर ये डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है. डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है ऐसी कौन सी चीज है
ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। डिटरमिनेंट्स को इंग्लिश में, अभी ये चीज बोल दिया मैंने तो ये चीज का मतलब होता है इंग्लिश में बोलेगा तो रीजन। चीज एक मिनट के लिए इसको हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं कारण। व्हाट आर द रीजंस व्हिच मेक्स द चेंज इन द डिमांड। सो वी हैव 10 रीजंस, हमारे पास 10 है, इसके अलावा भी बहुत है जैसे हम देखेंगे उसको अभी, लेकिन हमारे पास डिमांड में चेंजेस लाने के लिए एल्फ्रेड मार्शल ने मेजर जो होते हैं, मेजर है तो 100 रीजन होंगे आपकी डिमांड क्यों बदल जाती है, ठीक है, लेकिन मेजर जो चेंजेस हैं वो 10 हैं और वो हमें एल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है और अपनी बुक में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। वहां से ये आपके लिए, मैं वहां से नहीं आपकी बुक से लाया हूं, वहां से लेके आया हूं, यहां से लाया हूं। तो ये पहला रीजन क्या है आपका, प्राइस। नींद तो नहीं आ रहा ना आप लोगों, शुरू ही किया है। पहला पॉइंट क्या है, प्राइस। अभी आप पूछेंगे सर क्या प्राइस डिमांड में चेंज होने का कारण बन सकता है, मेरा सवाल है ये, अपने दिमाग से पूछो क्या प्राइस आपके डिमांड में चेंज होने का कारण बन सकता है। हाँ होता है ना, आप किसी भी कमोडिटी को परचेस करने के लिए मार्केट में जाते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उस कमोडिटी की कीमत 5 रुपीज है और आप वहां पे गए तो पता चला कि वो कमोडिटी 10 रुपीज है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में लूट रहे हैं सब लोग, कि नहीं लॉकडाउन में देखो आप 5 रुपए की 10 रुपए में बिक रही है, भारतीय लोग भारतीय को लूट रहे हैं। तो अब इस प्राइस के होने की वजह से हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, वही पार्ले जी जो हमें 5 रुपए में मिलता था अब वो 10 रुपए में मिलता है। आपके पास सफिशियंट पैसा था बट दैट इज नॉट इनफ टू सेटिस्फाई योर डिमांड, दे योर वॉन्ट सेटिस्फाई नहीं हो सकती। आपके पास 5 रुपया था, अब उस 5 रुपए की वस्तु 10 रुपए में हो गई तो प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा। 5 रुपए थे तो कितने, 100 रुपए में, 100 रुपए आपके पास है, यू हैव 100 बक्स। नाउ प्राइस, अर्लियर द प्राइस वॉज 5, कितना पैकेट आता था, 20 आता था, अब 10 रुपया हो गया, अब कितना आएगा, 10। तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुआ, फॉल हो गया। समझा आपको इनवर्स रिलेशन, पहले पढ़ा था हमने याद है लॉ ऑफ डीएमयू में, जब प्राइस किसी कमोडिटी की बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और वाइस वर्सा अगेन उसका ही विपरीत एक्शन होता है, जैसे ही प्राइस कम हो जाएगी फिर से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। गोल्ड का बात करो, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो जरूरत वालों को, तो जिसको कंपलसरी करना है उसके घर में फंक्शन है शादी है वो तो लेंगे, बट 100 में से 2-3 जन के घर में फंक्शन है, बाकी के लोग प्राइस बढ़ने की वजह से उस चीज को, कमोडिटी को परचेज नहीं करने वाले। सो प्राइस पहला कारण है जिसकी वजह से आपके डिमांड में चेंजेस होता है। अग्री। नंबर 2, इनकम। अगेन दिस पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, हाउ, बिकॉज व्हेन योर इनकम चेंजेस इट इन्फ्लुएंस साइमल्टेनियसली योर डिमांड। इसमें वो क्या नाम है वो लड़के का, मोहित, मोहित, मोहित के पिताजी का पहला सैलरी था 15,000, मोहित के पिताजी का सैलरी 15,000 था। अब मोहित साइकिल से आता था, 15,000 की सैलरी में मोहित साइकिल से आता था। 2 साल के बाद मोहित 12th पास हो गया और अब उसके पिताजी की सैलरी 50,000 हो गई। अब बताइए मोहित क्या वही साइकिल कॉलेज लेके जाएगा, वो मोहित पर डिपेंड करता है। मैंने आप सबको पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन योर इनकम गेट्स चेंजेस, योर इनकम इंक्रीजेस सेम टाइम, आई मीन एट द सेम टाइम योर डिमांड विल आल्सो इंक्रीजेस। आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा और आपका इनकम कम होगा तो आपका डिमांड भी कम हो जाएगा। हाउ, दिस इज हाउ योर इनकम इन्फ्लुएंसेस ऑन योर डिमांड। तो एग्जांपल दे दिया मैंने, उसमें भी इसमें भी दे दिया था, पार्ले जी का एग्जांपल इसमें दिया था, मोहित का एग्जांपल इसमें दिया है। थर्ड बात करेंगे, पॉइंट नंबर 3, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए लेकिन सब्स्टिट्यूट बोलते हैं उसको।
देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जब चेंजेस होगा तो उसके डिमांड में भी चेंजेस होगा। फिर से बोलता हूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में जब चेंज होगा तो उसकी डिमांड में भी चेंज होगा। इंग्लिश में बोलूं वो लिख सकते हो आप, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द सब्स्टिट्यूट गुड्स द प्राइस इन द प्राइस देयर डिमांड विल ऑल्सो गेट चेंज। कैसे? एग्जाम्पल है देखो यहां पर, अगर समझो शक्कर शुगर पहला कमोडिटी क्या है, शुगर के प्राइस में चेंज आया। चेंज का मतलब कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, फिलहाल मैं उसको ज्यादा कर देता हूं। शुगर के प्राइस में चेंजेस आया और शुगर प्राइस राइज हो गया तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक दूसरा ऑप्शन पकड़ती है, उसे कहते हैं गुड जैगरी, उसका रास्ता पकड़ लेती है। ये हर भारतीय का ही नहीं, सब ह्यूमन नेचर है ये, इंसान की जरूरत की पहली चीज का अगर प्राइस बढ़ जाए तो वो फटाक से दूसरी चीज पर ध्यान देने लगता है। बात समझ में आया? तो ये आपका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसमें आपको शुगर और जैगरी का एग्जांपल है। फिर से समझना हो तो वीडियो रिपीट कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है, शुगर का कीमत बढ़ेगा तो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड करने लगता है। सो अभी आप पूछेंगे कि सर ये डिमांड को कैसे चेंज करता है, अभी तो बताया कि शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो जैगरी का डिमांड बढ़ेगा, गुड़ का डिमांड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब समझा आपको कैसे डिमांड पे इन्फ्लुएंस करता है। पॉइंट नंबर 4, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहली बात तो आपने सब्स्टिट्यूट समझा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री भी समझ सकते हो, एक के ऊपर एक फ्री रहता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फुकट मिले अपने, जो कॉम्प्लीमेंट्री का और एक मतलब होता है, जैसे कंडीशनली है कि वो किसी को कंप्लीट करे, एक कमोडिटी है उसके साथ दूसरी उसको कंप्लीट करे, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे आपके पास कार है, कार अपने आप में कंप्लीट नहीं है अनलेस यू हैव अ फ्यूल, सो वंस यू हैव अ कार यू शुड ऑल्सो हैव अ फ्यूल, अंडरस्टैंड। सो कार एंड फ्यूल आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो व्हाट हैपेंस, हाउ द डिमांड गेट चेंज्ड, आई विल टेल यू। अभी बहुत सारे लोगों की, गौरव ने बोला मेरे को सर 12वीं पास होएगा तो मैं मर्सिडीज खरीदेगा, लेकिन अभी वो बोलता है सर 100, मैंने जब तक मर्सिडीज खरीदूंगा तब तक पेट्रोल का दाम 100 रुपया 200 रुपया हो जाएगा, तो फिर मर्सिडीज खरीद के क्या फायदा है, 100 रुपया 200 रुपया तो स्टार्ट करने में चले जाएगा 2 लीटर, यहां से स्टार्ट करके तुम घर तक नहीं पहुंचोगे 100-200 रुपया उसमें खर्चा हो जाएगा। सो एक कंज्यूमर क्या सोचता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, कार लेना बड़ी बात नहीं है बट उसको कंप्लीट करने के लिए जो फ्यूल की जरूरत है उसकी प्राइस की वजह से डिमांड में चेंजेस आ जाती है। बात समझ में आ रहा है? सो कार एंड फ्यूल ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सो व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द फ्यूल, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल, डिमांड ऑफ कार विल फॉल डाउन। व्हेन देयर इज अ decrease in the fuel, demand of car will be increases. Video repeat करोगे फिर से समझ जाएगा, ठीक है। When there is a fall in fuel, price in the fuel, rise in the demand of car. When there is a rise in the fuel, car का demand गिर जाएगा, और जब फ्यूल का प्राइस कम हो जाएगा तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इज योर 5th पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे प्रकृति, प्रोडक्ट मतलब होता है वस्तु और नेचर मतलब होता है उसकी प्रकृति, प्रकृति मतलब किस टाइप का है। अभी इधर मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, मेडिसिन। अभी मेडिसिन कैसी है, लाइफ सेविंग मेडिसिन आपके आपको है, आपके पास मेडिकल से जो चाहिए उसको बोलते हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन। लाइफ सेविंग मेडिसिन की प्राइस कुछ भी होने दो आप तो नहीं लेंगे ना। मैं बीपी का पेशेंट हूं, मैं बीपी का पेशेंट हूं, तो मेरी जो बीपी की गोलियां हैं वो 10 स्ट्रिप्स पहले 25 रुपए की थी, अब वो 250 की है, तो मतलब प्राइस बढ़ गया तो मैं नहीं लूंगा क्या, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ लाइफ सेविंग मेडिसिन, राइट, सो आई मस्ट नीड इट, सो दैट्स कॉल्ड नेचर ऑफ प्रोडक्ट।
कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. सो द गुड्स विच आर अनअवॉइडेबल कंज्यूमर मस्ट नीड दैट. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्राइस कंज्यूमर विल डेफिनेटली परचेज. सो दिस इज हाउ देयर डिमांड गेट्स चेंज. अंडरस्टैंड. साइज ऑफ पॉपुलेशन नेक्स्ट पॉइंट. वी हैव 6 पॉइंट. वी हैव टू क्विकली कवर एवरीथिंग because once your size of a video will increase, no, it will not be, it will be unable to share. So next point is 6th, size of population. Now what happens with population? What do you mean by population? Jansankhya. Pehle mere area mein sirf 10 log the to mere dukan wala sirf 10 maggi mangata tha. Mere area mein sirf 10 log the to sirf dukan wala 10 maggi mangata tha. Now the population in today population आज की बात मत करो. एग्जाम्पल दे रहा लॉकडाउन में नहीं सब गाँव गए. अभी समझो लॉकडाउन नहीं होता. आज की डेट में मेरे एरिया में देर आर 250 पीपल स्टे. देर आर 250 पीपल लिविंग. सो वॉट वुड बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट शॉपकीपर. वो हर किसी के अगर 10 के हिसाब से 10 मैगी लाता था तो 250 के हिसाब से कितना रखेगा वो 10 से ज्यादा रखेगा. सो डिमांड इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ पॉपुलेशन. वाइस वर्सा पॉपुलेशन कम होएगा तो ऑटोमेटिकली उसको अपना कमोडिटी भी कम कर देगा. सो दिस इज हाउ इट इज. साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. व्हेन द पॉपुलेशन डिक्रीजेस डिमांड विल आल्सो फॉल डाउन. 7 पॉइंट वी हैव एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस. बहुत सिंपल पॉइंट है 7वां एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस. आज आपको मालूम है कि आज जो चीज की कीमत ज्यादा है ध्यान से सुनना. आज जिस चीज की कीमत ज्यादा है वो कल कम होने वाली है. वो हमारे मनीष सर है ना उन्होंने एक मार्कर खरीदा. ये मार्कर है ना अभी क्या मालूम है इसका कीमत 30 रुपए है तो उन्होंने एक ही खरीदा. लेकिन इसी मार्कर का कीमत है ना एक महीने के बाद 20 रुपए हो जाएगा तो वो क्या करेंगे अभी उसी टाइम में से 10 मार्कर खरीदेंगे. सो हर ह्यूमन नेचर है वो. आज आपको मालूम है कि किसी वस्तु की कीमत आज ज्यादा है तो प्रेजेंट टाइम में आप उसको कम खरीदेंगे. लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन बोलते हैं उसको अपेक्षा. आपको पता है कि भविष्य में उसी की कीमत कम होने वाली है तब आप उसको ज्यादा खरीदेंगे. दिस इज हाउ योर डिमांड गेट्स इंफ्लुएंसेस. अंडरस्टैंड. तो इन सब में कहीं ना कहीं प्राइस तो जुड़ा हुआ ही है. प्राइस तो जुड़ा हुआ ही है लेकिन अपेक्षाएं भी तो है एक्सपेक्टेशन भी है ना उसके साथ साथ. देन वी हैव अ 8th पॉइंट दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट. थोड़ा इंटरेस्टिंग है वाला पॉइंट एडवर्टीजमेंट. हम सब अच्छे खुश थे अपनी जिंदगी में कोलगेट को लेकर. हम अपनी जिंदगी में खुश थे. सुबह सुबह उठकर कोलगेट को ब्रश पे लगाया दांत पे घसा फ्रेश महसूस होता था. ना जाने कहां से रामदेव आ गए और दंत कांति इंट्रोड्यूस कर दिया. अब दंत कांति से हम लोग थोड़ा सदमे से बाहर आए थे कि कोलगेट ने फिर से लाया एक नया प्रोडक्ट. जानते हो ना इसमें अश्वगंधा मुलेठी तुलसी अजवाइन नीम पता नहीं कितने मसाले डाल दिए समझ में नहीं आता. मुंह में तड़का दे रहे हैं कि ब्रश कर रहे हैं उसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट. छोटी सी बच्ची आके हमारे पूरे माइंड को ब्रेन वॉश करके चली जाती है. पता है ना कोलगेट वेद शक्ति की बात कर रहा हूं मैं. अब न जाने कितने लोगों के घरों में कोलगेट वेद शक्ति आता होगा. एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है. एडवर्टीजमेंट गिव्स अ ब्रीफ ह्यूज इंट्रोडक्शन. एडवर्टीजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि हमारे गुड्स को बेहतरीन मार्केटिंग मिल सके और ज्यादा लोगों की नजरों में जाए. पुतला देखकर मैं भी बहुत बार सोचा हूं कि ये शेरवानी मैं पहनूं तो कैसा लगेगा. लेकिन जब वाकई में पहना था ना बहुत गंदा लगता था. लेकिन शेरवानी का इंट्रोडक्शन हो गया ना शेरवानी का एडवर्टीजमेंट हो गया. अब सबको मालूम है कि इस दुकान पर ऐसी शेरवानियां मिलती हैं. सो एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है. जस्ट टू इंक्रीज द डिमांड. So advertisement is done just to influence the demand. So this is how your advertisement also becomes the reason to change in demand. नहीं करोगे advertise पता ही नहीं चलेगा लोगों को. Airtel वाली वो लड़की 50 बार बोलती है हम सबसे बेस्ट है हम हैं हम ये हैं वो हैं. 25 लोग तो यूज कर रहे थे. 25 लोग एक चांस लेंगे कि चलो हम भी यूज कर लेते हैं लड़की बोल रही है इतना तो 50 लोग हो जाते हैं. अगर वो लड़की नहीं बोलती तो 25 है ना उतने ही थे होते ना. एडवर्टाइजमेंट भी आपके डिमांड को इस तरह इन्फ्लुएंस करता है. सेकेंड लास्ट पॉइंट है आपका टेस्ट हैबिट एंड फैशन. नाउ व्हाट इज टेस्ट हैबिट एंड फैशन.
आप सर टेस्ट हैबिट तो ठीक है, आप हैबिचुअल है किसी कमोडिटी के, तो उसका कोई भी सिगरेट की बात करो, सिगरेट का प्राइस बढ़ने तो आप उसको हैबिचुअल है तो आपको खरीदना ही। टेस्ट का बात करो, आपके घर में कोई चीज आती है उस वही टेस्ट सबको पसंद है घर में, आप उसको चेंज नहीं कर सकते उसकी प्राइस कितनी भी क्यों ना हो। बस समझ में आया क्या? सो टेस्ट हैबिट एंड फैशन, फैशन वाली चीज बहुत अच्छी है लड़की लोगों के लिए स्पेशली। एक ड्रेस उन्होंने मार्केट में देख ली कि आज आलिया भट्ट ने, मैंने देखा आलिया भट्ट ने एडवर्टाइज में ऐसा पहना है, तो वो एक ट्रेंड हो गया, नया वाला ट्रेंड हो गया, मतलब अब उनको वही चाहिए भले वो 2000 की क्यों ना हो। लेकिन अगर वही 2 महीने के बाद आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो उसका डिमांड अपने आप कम हो जाता है, भले वो आपको फुकट में क्यों ना दे। कोई कुछ लोग बोल रहे हैं हम लोग ले लेंगे, नहीं लेता है कोई भी। सो फैशन में है चीज, इवन इफ इट इज कॉस्टली डिमांड विल बी हायर, एंड समथिंग लाइक दैट सेम कमोडिटी गेट आउट ऑफ फैशन, इवन इफ समवन विल गिव यू अ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू वोंट बाय दैट और यू वोंट गेट इट। सो दिस इज हाउ योर टेस्ट हैबिट एंड फैशन इन्फ्लुएंसेस योर डिमांड। एंड राइज इन टैक्सेशन, व्हाट हैपेंस विद टैक्सेशन, टैक्सेशन इज अ वेरी गुड पॉइंट रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट। व्हेन देयर इज अ हायर रेट ऑफ टैक्स charged on a commodity, when there is a higher rate of tax charged on a commodity, what happens at that time? Their price increases. Commodity के ऊपर ज्यादा tax लगा दिया government ने, उसकी price क्या होती है? बढ़ जाती है। Price बढ़ जाती है तो ऊपर क्या बताया था, मेरा मुंह क्या देख रहे? Price बढ़ जाती है तो demand कम हो जाती है। सो गवर्नमेंट किसी भी कारणों की वजह से टैक्स बढ़ाए तो ऑटोमेटिकली हमारा कमोडिटी का डिमांड कम हो जाता है। कैसे? वो ऐसे कि टैक्स बढ़ने से प्राइसें बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली हमारा नेचर तो मालूम है आपको, भाई आपने तो इतने में ले लिए, मिली तो ठीक है, नहीं तो चलने दे जैसा चल रहा है। बात समझ में आया? सो दीज वी, इसके अलावा भी we have many other points also like climatic conditions. वो एक बार ट्रेन बंद हो गई, पाइपलाइन फट गई थी मुलुंड में, ट्रेन बंद हो गई थी तो मुलुंड स्टेशन के बाहर क्या हो गया था, 10 रुपए की पार्ले जी बिस्किट 25-25-30 रुपए में लोग बेच रहे थे। और कल्याण में एक बार मैं फंस गया था, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी, ट्रेनें बंद हो गई थी, तो 50 रुपीज लेते हैं डोंबिवली से, सॉरी कल्याण से डोंबिवली आने के लिए, they were charging 150 रुपीज। सो अभी क्या हो गया, प्राइसें बढ़ गई, बट स्टिल वी नीड टू गेट टू देयर ना, वी नीड टू गेट डोंबिवली, अब हमको जाना ही है तो हमको तो पे करना ही पड़ेगा। सो दिस इज हाउ पीपल गेट, यू नो, पीपल इन्फ्लुएंसेस द मार्केट डिमांड। सो 50 के बदले 150 चार्ज करा, भाई अपने को तो जाना ही है, आपको तो पे करेंगे, हम तो पे करेंगे। सो और भी कंडीशन है, बट अल्फ्रेड मार्शल ने उस पर इतना फोकस नहीं किया है, हमारे पास ये 10 है और इसी को आपने देखना है। हाँ, सो अब इसमें कोई आपको डाउट हो तो when we discuss about doubt clearing session, when we have, you can point out कि सर ये नहीं समझा वो नहीं समझा, PDF होगा आपके पास, PDF शेयर करना, उस वक्त हम लोग देख लेंगे उसमें क्या करना है, ठीक है। सो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, ये आपकी जनरल में डेफिनेशन, मीनिंग लिखो, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, इसमें डेफिनेशन है भी नहीं, ये मीनिंग हो गई, ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए, और ये आपके डिटर्मिनेंट्स जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है। फाइन, गुड, आप ध्यान में रखो और पढ़ लें। थैंक यू।